हेलो बच्चों, आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की तीसरी और आखिरी क्लास है। इतना भी टफ चैप्टर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आपको एरर को पता करना है और उसको सुधारना कैसे है। तीसरी क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टू साइडेड एरर के बारे में, ठीक है। और टू साइडेड एरर, चाहे वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, दोनों एक जैसा होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ मैं बिफोर और आफ्टर नहीं डिस्कस करूँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ फोकस करूँगा किस पे, टू साइडेड एरर को आपको समझाने में। तो टू साइडेड एरर में देखिए, हम उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि टू साइडेड एरर होता क्या है। टू साइडेड एरर का मतलब है, टू साइडेड एरर का मतलब होता है एरर इन बोथ एस्पेक्ट, जब दोनों एस्पेक्ट में कोई एरर हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर। जैसे अगर मैं कहूं कि गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 200 बट रिकॉर्डेड एज सेल। अब यहां पे देखो, अगर परचेज होता तो परचेज को डेबिट और कैश को करते क्रेडिट, लेकिन अगर हमने उसे एज अ सेल रिकॉर्ड किया तो सेल को कर दिया क्रेडिट और कैश को हमने क्या कर दिया, डेबिट। इसी को बोलते हैं टू साइडेड एरर, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो दोनों एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ गलती कर रहे हों। तो अब टू साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसका जो रेक्टिफिकेशन होता है वो दोनों में, चाहे बिफोर प्रिपरेशन आफ्टर प्रिपरेशन हो, दोनों में एक जैसा होता है। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, स्टेप वन में जो भी हमसे रॉन्ग एंट्री हुई है, हम उस रॉन्ग एंट्री को करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यही एग्जांपल लेके चलेंगे, हमसे क्या हुई गलती, हमने रिकॉर्ड कैसे किया, एज अ सेल, तो हमने एंट्री क्या कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और रुपीज 200 ही है, रुपीज में कोई एरर नहीं हो सकता है, कभी कभार रुपीज में भी डिफरेंस आ जाए। फिर स्टेप टू क्या होगा, स्टेप टू में हम कर देंगे रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री है उसका हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम इसका रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स इसका क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने रिवर्स कर दिया। फिर स्टेप थर्ड हमारा आता है, और स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री जो थी हमारी, करेक्ट एंट्री हम उसको पास करेंगे। तो करेक्ट एंट्री हमारी क्या थी, हमने गुड्स को परचेज किया था किसमें, कैश में, तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हमने कर दी 200 रुपीस। अब इसके बाद स्टेप फोर में हमें क्या करना है, स्टेप फोर में नेट इफेक्ट निकालना है, नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप टू एंड थ्री, दूसरे और तीसरा। ये हमारा पहला था, दूसरा था, और ये कौन सा था, तीसरा। तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ इन दोनों की जरूरत है, और इससे नेट इफेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा कि अगर सेम अकाउंट आपका सेम साइड में है तो अमाउंट जो होगा प्लस कर लेंगे, अगर सेम अकाउंट अपोजिट साइड में होगा तो अमाउंट को हम माइनस करेंगे, और साइड हम वो प्रेफर करेंगे जिसका क्या होगा, मोर होगा, जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब यहां पे देखिए, सेल्स यहां पे डेबिट है ना, तो तीसरे में सेल्स डेबिट है ना ही फिर क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे सेल्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि इसका कहीं पे अकाउंट हमें मिला नहीं 200। फिर इसमें भी डेबिट एस्पेक्ट को देख लें, पहले डेबिट डेबिट देखेंगे, परचेज यहां डेबिट है और इसमें सेकंड में ना तो डेबिट है ना क्रेडिट है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कितना 200। और यहां पे देखिए कैश क्रेडिट, और इसमें भी कैश क्रेडिट, दोनों में कैश क्रेडिट है, सेम अकाउंट ऑन द सेम साइड, क्या होगा, इसके अमाउंट को प्लस कर लेंगे, बस टू कैश अकाउंट 400।
400, इसी को बोलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री और यही एंट्री हमें पास करनी है। तो अब हम चलिए कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन खुद से ही ले रहे हैं और उसी पे बेस्ड है। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और एग्जांपल हमने क्या लिया कि क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1700 टू एक्स वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज 1700 का सेल किया और हमने उसको रिकॉर्ड कैसे किया 7100। अब ये टू साइडेड एरर का मतलब ये नहीं कि दोनों एस्पेक्ट के अकाउंट में कोई गलती हुई हो, पैसे में भी गलती अगर दोनों एस्पेक्ट में है तो वो भी टू साइडेड एरर में ही काउंट होगा। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट, ये जो आपने काम किया वो सारा वर्किंग नोट का पार्ट था, स्टेप 1, 2, 3। ओनली स्टेप 4 इज द आंसर। आंसर क्या है आपका? सिर्फ स्टेप 4 है, तो वो हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमसे गलती क्या हुई, हमने पैसा कितना लिखा 7100, क्रेडिट सेल किसको किया, एक्स को। तो एंट्री क्या होगी, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 7100। हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, इसको रिवर्स कर देना है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 7100। थर्ड स्टेप में क्या करना है, करेक्ट एंट्री पास करनी है और करेक्ट एंट्री हमारी क्या थी, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, अमाउंट में डिफरेंस हुआ 1700, ठीक। अब हमें इसका नेट इफेक्ट निकालना है, किसका, ये सेकेंड है और ये थर्ड। तो पहले डेबिट से चालू करते हैं, सेल्स यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, सेम अकाउंट सेम साइड, तो माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो 7100 से जब 1700 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 5400। लेकिन अब यहां डेबिट में है, यहां पे क्रेडिट में है, तो हम किस साइड में लिखें, क्योंकि दो जगह है, तो जिस साइड में पैसा ज्यादा होगा उसी साइड में रहेगा। कौन सा ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 5400 टू, यहां पे एक्स क्रेडिट, यहां पे एक्स डेबिट, सेम अकाउंट अपोजिट साइड माइनस करो, यहां पे 7100, यहां पे 1700, डिफरेंस निकालेंगे आएगा 5400। किस साइड लिखें, जिस साइड में पैसा ज्यादा है, तो 2x कितना 5400, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक। ऐसे ही अगर मान लीजिए दिया है परचेजेस ऑफ गुड्स रुपीज 2000 फ्रॉम एक्स, बट रिकॉर्डेड एज सेल्स एज रुपीज 2100। चलिए पैसे में भी गड़बड़ और एंट्री में भी गड़बड़, अब इसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेप वन को फॉलो करेंगे। स्टेप वन में क्या करना है, रॉन्ग एंट्री। देखो परचेज गुड्स का किया 2000 का, किससे, एक्स से, लेकिन हमने रिकॉर्ड किया कि हमने एक्स को बेचा है और कितने का, 2100 का बेचा, तो हमने गलत एंट्री क्या की, सेल लिख दिया। तो एंट्री क्या हो गई, एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 2100 लिखा। स्टेप टू में क्या था कि इसको रिवर्स कर दो आप, तो हमने इसको कर दिया रिवर्स, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स 2100। करेक्ट एंट्री क्या है, हमने गुड्स परचेज किया था, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, और अमाउंट भी सही लिखेंगे 2000, ठीक। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, हमें स्टेप टू और स्टेप थ्री लेना है। यहां पे सेल्स है डेबिट,
तो सेल्स को करेंगे डेबिट, क्यों? क्योंकि यहां पे हमें फिर दूसरे वाले तीसरे में कोई भी सेल्स का अकाउंट नहीं मिला, तो सेल्स अकाउंट हो गया डेबिट कितना 2100। ठीक, फिर यहां भी डेबिट चेक कर लो, क्योंकि यहां पे तो इसका डेबिट मिला नहीं था, तो परचेज यहां पे डेबिट है और कहीं भी डेबिट नहीं है इसमें, या क्रेडिट भी नहीं है, तो परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट भी कर देंगे। कितना यहां पे आएगा 2000। अब देखिए एक्स को यहां पे क्या किया था, क्रेडिट है, यहां भी एक्स क्या है, क्रेडिट है, तो सेम अकाउंट सेम साइड में है, तो क्या कर देंगे 2x पैसा प्लस कर लेंगे, सेम साइड में प्लस होता है, कितना हो जाएगा 4100। ये हो जाएगी हमारी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री, किसके लिए, जब हमने गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया हो और उसको हमने रिकॉर्ड किया हो एज सेल्स, और पैसा भी हमने क्या किया हो, गलत रिकॉर्ड कर लिया हो। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, तीसरा लेते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जैसे हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की, क्या परचेज की, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम हरी फॉर रुपीज 50,000 पोस्टेड टू नरेश अकाउंट। अब देखो नरेश अकाउंट में हमने पोस्ट कर दिया, ठीक, अब यहां पे ये पोस्टिंग की गलती हुई, ठीक, एक तो हरी में, दूसरा कहां चला गया, नरेश में, दो लोग हैं यहां पे। अब इसमें देखो एरर क्या हो जाएगा, ठीक है, अब ये कोई एरर नहीं हुआ, अगर हम इसी को लिख देते कुछ और आगे बढ़ाते, उससे अच्छा पहले यही एक समझ लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल। तो मशीनरी हमने परचेज किया, और एक चीज देखिए, अगर टू साइडेड एरर आप यूज करो ना, तो सब पे अप्लाई हो जाता है, जो मुझे लगा कि वो सब पे अप्लाई हो जाता है, बस आपको पता हो कि आपने गलती क्या की और सही क्या है। तो हमने क्या किया, मशीनरी परचेज किया है हरी से, लेकिन किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, नरेश के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो अब यहां पे गलती क्या हुई, मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी होगा डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और गलती से किसको हमने कर दिया, नरेश को। देखो वन साइडेड एरर है, लेकिन दो टू साइडेड बना रहे हैं, कैसे हो जाएगा, मशीनरी कितने का परचेज किया, 50,000 का, गलत तो एक ही साइड में है ना नरेश में, अब इसका रिवर्स कर दो, ये भी हो जाता है इससे, नरेश डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना 50,000, जबकि करेक्ट एंट्री आपकी क्या है, आपने किससे परचेज किया था, हरी से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी हो जाएगा यहां पे कितना 50,000। अब यहां पे देखो मशीनरी यहां पे क्या है, डेबिट है, यहां पे क्रेडिट है विथ सेम अमाउंट, माइनस करेंगे जीरो आएगा, जीरो की एंट्री नहीं होती। यहां पे नरेश डेबिट है, इसमें हरी क्रेडिट है, बस बन गई एंट्री, और कुछ हमें चाहिए नहीं, दोनों एस्पेक्ट हमें मिल जाए, तो नरेश डेबिट टू हरी, सिंपल सा हो गया। तो अगर आप वन साइडेड एरर भी कुछ होता है, जैसे परचेज बुक में हमने 500 रुपए ज्यादा लिख दिया, अब दूसरा पता हो कि किससे परचेज किया था, तो भी हम उसको रेक्टिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका था टू साइडेड एरर। इसी तरीके के बहुत सारे एरर होते हैं, ठीक है, एरर क्या मतलब कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन आपको दे देगा जिसमें एंट्री वगैरह गलत लिखी होगी, परचेज का है, सेल्स का है, सब कुछ दिया ऐसे दिया होगा। ठीक, ऐसे ही आपको सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन मिलते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट का एक क्वेश्चन हम देखते हैं, और वो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या, पहले वो यहाँ पे ले आऊँ मैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये एक एग्जांपल है जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना देख लेंगे, बाकी सारी एंट्रीज भी आ जाएंगी, ये टू साइडेड के बाद का है, टू साइडेड आपको समझा दिया, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पूरे बुक से एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक, अब देखते हैं इसमें दिया क्या है कि अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। अब ये डिफरेंस जो हमें मिला, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही पता चला होगा, जो कि किधर है, क्रेडिट में है सस्पेंस के। ठीक, अब यहां पे देखिए पहला क्या दिया है, गुड्स वर्थ रुपीज 200 परचेज्ड फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। अब गुड्स अगर हमने परचेज किया है, तो
तो एंट्री क्या होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट और किससे परचेज किया, सोहन से। अब देखो ये डायरेक्ट भी रेक्टिफाई हो जाएगा, परचेज कितने का किया 200 का, लेकिन ये क्या बोल रहा हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250, उसके अकाउंट यानी सोहन के अकाउंट में कितना लिखा 250, लेकिन होना कितना चाहिए 200। तो देखो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन भी इसका हो गया। कैसे हो गया कि सोहन तो क्रेडिट होना चाहिए 200 से, लेकिन कितने से क्रेडिट हुआ 250 से, 50 रुपीज सोहन के क्रेडिट में ज्यादा है। और जब एक्सेस क्रेडिट होता है तो हम उसे क्या करते हैं, कम करने के लिए साइड बदल देते हैं, तो सोहन को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। और टू अपोजिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस, क्योंकि अपोजिट अकाउंट जो है वो सही है, सस्पेंस अकाउंट कितना डिफरेंस है 50 रुपीज है। दूसरा बोला अ परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹500 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, भाई खरीदा था फर्नीचर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, लेकिन हमने मिस्टेक कहां पे किया, भाई फर्नीचर की जगह पे क्या कर दिया, परचेज कर दिया। तो अब इसका रेक्टिफिकेशन आप चाहो डायरेक्ट कर लो, कैसे डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा कि फर्नीचर भाई रॉन्गली आपका क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, मतलब इसको डेबिट करना नहीं था लेकिन फिर भी बाई मिस्टेक हो गया, तो आप इससे पैसा हटाने के लिए इसका साइड बदल दो, गलती से तो ₹500 ज्यादा हो गया डेबिट, तो साइड बदल जाएगा फर्नीचर क्रेडिट, और परचेज को हमने डेबिट नहीं किया, सॉरी यहां पे क्या था, फर्नीचर खरीदा था है ना, हाँ तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर की जगह पे हमने क्या डेबिट कर रखा, परचेज, तो फर्नीचर को सही जगह पे रखो और परचेज को क्या कर दो क्रेडिट। और वैसे भी रेक्टिफिकेशन करके देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू साइडेड वाला यूज करके टू कैश अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री है जो हमने पास की है, कितने का 500 का। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होता है, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्रीज की हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500, और करेक्ट एंट्री क्या है भाई, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना 500। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको कैश क्रेडिट दिख, डेबिट दिख रहा है, कैश क्रेडिट दिख रहा है इक्वल अमाउंट से, माइनस हो गया जीरो बचा, जीरो को लिखना नहीं, एक में थर्ड में आपको फर्नीचर डेबिट मिला और जो है सेकंड में आपको परचेज क्रेडिट, जो जैसा मिला वैसा ही उठा के यहां पे लिख लेना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कितना 500। तीसरा क्या दिया है यहां पे, तीसरा दिया है Instead of crediting gains account with ₹512, it was debited with ₹215. यानी gain को क्या करना था, credit करना था, लेकिन हमने इसको किया क्या, debit किया। तो आपको one-sided error वाले में एक चीज बताया था, a credit item wrongly debited, किसी भी credit item को अगर हमने गलती से debit किया तो उसको हमें credit करना पड़ेगा उस account को, तो gains account क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा। कितने से हमें क्रेडिट, गलती से क्रेडिट किया टू, डेबिट किया 215 से, और क्रेडिट कितने से होना था 512 से, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड प्लस अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड, तो इसको प्लस कर लें कितना आ जाएगा 727। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पे थर्ड की, और अपोजिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गेन्स अकाउंट कितना 727। नेक्स्ट देखें फोर्थ क्या दिया है, फोर्थ दिया है गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाई गेन। अच्छा अगर गेन ने रिटर्न किया तो गेन को हमने बेचा होगा गुड्स, और अगर गेन को बेचा होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, भाई गेन से वापस आया तो गेन अकाउंट हुआ क्रेडिट, और यहां पे क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न क्या डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट कितने से 130 से, ये होना चाहिए, ये करेक्ट एंट्री है। ये कौन सी एंट्री मैंने बोली है, करेक्ट एंट्री यही है। अब हमने गलती क्या की है, दिया है वेर एंटर्ड इन द सेल्स बुक, हमने इसको कहां पे लिखा, सेल्स बुक में लिख दिया, भाई सेल बुक तो क्रेडिट होता है और यहां पे क्या है, सेल्स रिटर्न है, और बोल रहा है एंड पोस्टेड देयरफ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ गेन्स पर्सनल अकाउंट,
गेन का अकाउंट बिल्कुल सही है, हमने सेल्स रिटर्न को एक तो डेबिट किया नहीं, ऊपर से सेल्स को कर दिया हमने क्रेडिट, तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? देखो, सेल्स को हमने क्या किया है, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? रॉन्गली क्रेडिट कर दिया। तो अगर किसी को गलती से क्रेडिट किया तो सुधारने के लिए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए क्या दिया है, क्या था, रिटर्न आया था कितने का, 130 का। तो रिटर्न को तो हमने डेबिट किया ही नहीं था, सेल्स रिटर्न को, तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो एक्चुअल में डेबिट हो ही रहा था। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा 130, ये भी 130, ये भी 2। भाई गेन होना चाहिए, लेकिन गेन में तो सही लिखा, फिर यहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 260, दोनों प्लस करके लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमें दिया है। तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंस दे रखा था क्रेडिट में, तो बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो डिफरेंस कितना दे रखा है वो भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल में ही लिया है। डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है, 417 को, 417। अब लेजर पोस्टिंग का जो रूल बताया था याद रखना, साइड सेम, नेम अपोजिट, अमाउंट सेम। तो यहां पे देखिए सस्पेंस कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे साइड सेम कितना, 50, और अपोजिट में कौन है, सोहन, तो क्या हो जाएगा, बाई सोहन, बाई सोहन कितना, 50। और देख लो कहाँ पे है सस्पेंस, दूसरे में नहीं है, तीसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ कितना, 727, साइड सेम डेबिट में 2, नेम अपोजिट में कौन है, गेन्स अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेन्स अकाउंट कितना, 727। फिर तीसरे वाले में भी देखो, ये चौथे वाले में आखिरी में सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे, बाई अपोजिट में 2 है, सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों लिखेंगे, बाई सेल्स अकाउंट 130, और बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट 130। अब इसको प्लस कर ले, और इसका जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर आ गया तो समझ लो सारी गलतियों को हमने सुधार लिया। ठीक, तो देखिए इधर तो 727 है, इधर कितना आएगा, 7 1 5 6 3 9 3 12 2 2 1 आया कैरी, 4 1 5 5 1 6 और 1 7, 4 727। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जितने भी तरीके के आते हैं बेसिक सा है, बाकी कुछ इसमें है नहीं, तो इसको आप करिएगा। बाकी आपका ये कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम अपने अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। थैंक यू।